Obstacle is nearby, 32.9. Obstacle is nearby, 49.8. Obstacle is nearby, 68.1. Obstacle is nearby, 89.8. Obstacle is nearby. Can. Straight JRP 8 to outer side of the VK for PTR 0, the other side of the straight in E, and DRRJ draw a ridge direct to VQ of THHE lane A10. By using a single shift side, adjust the rate of stutter as in time. We end such a way that frame of tight teeth with the line PQ. Again, place the slab in the cache drawn in such a way that drawn sides with line AP at the circular edge faces. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, इट्स मी ज़ुलैखा नासर एंड यू आर वाचिंग हसन निसार ऑफिशियल। आज आपके लिए एक ऐसी तिलस्माती और एक करिश्माती ऐनक लेके आए हैं जो कि बनाई है इस बच्चे ने और इसके साथ जो पार्टनर्स हैं उन्होंने मिलकर बनाई है। ये ग्लासेस के बारे में थोड़ा सा मैं आपको बताती चलूँ। ये ग्लासेस उन नाबीना लोगों के लिए है जिनको देखने में बहुत मुश्किलात होती हैं, जिनका वीजन जो है वो बिल्कुल मुकम्मल तौर पर ख़त्म हो चुका है और जो पैदाइशी तौर पर नाबीना है उनके लिए ग्लासेस आई हैं। ये एक नेमत है। ये बच्चे जो हैं ये इस कदर जो हैं पोटेंशियल रखते हैं हमारे पाकिस्तानी बच्चे कि इन्होंने ये ग्लासेस बनाई हैं और मैं हैरान हूँ कि ये ग्लासेस इन्होंने बना कैसे ली हैं और ये जो हैं जब मार्केट में लॉन्च करेंगे तो क्या इनकी हेल्प हो सकेगी, इनको गवर्नमेंट सपोर्ट कर सकेगी या नहीं कर सकेगी, लेकिन ये ग्लासेस कैसे बनाई हैं इन्होंने, हम इनसे बात करते हैं और इनसे जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम, कैसे हो? अल्हम्दुलिल्लाह जी। कैसे ग्लासेस बना दी यार? पाकिस्तान में रहते हुए जो है आपने सोचा नहीं कि बाद में तो हम लोग को सपोर्ट मिलनी नहीं है, तो फिर क्या सोच के ग्लासेस बनाई आपने? बेसिकली हमारा जो फाइनल ईयर प्रोजेक्ट होता है यूनिवर्सिटी में, हमारी आईटी की रिलेटेड फील्ड थी, तो हमने ये फाइनल ईयर प्रोजेक्ट सबमिट करवाना होता है जो कि लाजमी पास भी करना होता है। तो हमने अक्सर अवकात देखा है स्टूडेंट्स जो हैं वो वेबसाइट्स वगैरह या एप्स वगैरह बना के दे देते हैं, लेकिन हमने ये सोचा हुआ था कि हमने ह्यूमैनिटी को सर्व करना है। और फिर ब्लाइंड्स का कैसे आया, ब्लाइंड्स के बारे में जब हम अक्सर देखते थे रोड्स पे चलते हुए ब्लाइंड्स को, तो वो स्टिक छड़ी का इस्तेमाल करते थे, लेकिन इस छड़ी को जस्ट आगे कोई चीज़ आती थी वो महसूस कर सकते थे कि मतलब आगे कोई चीज़ आई है जब वो साथ अटैच होती थी। लेकिन हमने सोचा, अक्सर ब्लाइंड्स की ग्लासेस भी लगी होती थी ब्लैक कलर की, क्योंकि उन्होंने अपनी आंखों को छुपाना होता, तो हमने यहाँ से विजन लिया कि यार उनकी ग्लासेस पे जो ऑलरेडी लगी होती हैं कुछ ऐसे सेंसर कैमराज की मदद से ऐसी हेल्प की जाए तो इनकी जिंदगी जो है थोड़ी आसान हो सके। आपने उनकी ज़िंदगी आसान करने के लिए अपनी ज़िंदगी मुश्किल में डाल ली है। अभी तक मुझे ये बताएं सबसे पहले कि गवर्नमेंट की तरफ से कोई सपोर्ट आई? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। अभी तक तो किसी ने ऐसा कोई रिस्पांस नहीं दिया। हमने मुख्तलिफ न्यूज़ चैनल से भी दिया और हमारे काफ़ी मतलब ब्लॉग्स भी हुए हैं, लेकिन ऐसा हमें कोई सपोर्ट नहीं आई, कोई कॉल नहीं आई किसी भी गवर्नमेंट पर्सन की। अच्छा, ग्लासेस का मुझे थोड़ा सा बताएं कि इसमें सेंसर्स लगे हुए हैं और इसमें आपके साथ कोई डॉक्टर भी इन्वॉल्व है? नहीं, हमने ये खुद बनाया, मेरे दोस्त और मैंने बनाया, हम दोनों क्लासमेट थे और हमने क्लास में मतलब इस चीज़ को शेयर भी किया था, फिर टीचर्स के साथ शेयर किया, उन्होंने इस चीज़ को बड़ा अप्रिशिएट किया कि आप खुद डेवलप, आइडिया भी हमारा खुद था और हमने इस चीज़ पे वर्किंग भी सारी खुद ही किया। तो साइंटिफिकली और टेक्निकली बड़ा मुश्किल होगा आप आईटी के स्टूडेंट्स और ये जो है ये सेंसर्स वगैरह ये तो किसी और फील्ड का काम होता है, तो कैसे आप इसमें बेसिकली जो CSIT की फील्ड होती है ना, इसमें आपने प्रोजेक्ट्स बनाने होते हैं, हार्डवेयर बेस्ड भी होते हैं, IoT बेस्ड भी होते हैं और गेम बेस्ड भी होते हैं, उसमें जस्ट कोडिंग ही होती है, उसमें कोई मतलब हार्डवेयर का इन्वॉल्वमेंट नहीं होती, लेकिन हमने चूज़ किया था IoT बेस्ड, इसमें हार्डवेयर की इन्वॉल्वमेंट भी होती है और 50% आपकी कोडिंग भी होती है, दोनों का कम्बिनेशन होता है और फिर जाके आपका जो है वो एक चीज़ बनती है, एक प्रोडक्ट आप कह लेंगे बनती है इस चीज़ में। फिर हमने अच्छा किसी को टेस्ट किया अभी तक? हाँ जी, हमने एक हमारे मतलब सिटी में ही ना थे, शौकत भाई का नाम था, उन पर अप्लाई किया, उनको मतलब चलाया भी है और रीडिंग्स वगैरह, डिस्टेंस मेजरमेंट, ईच एंड एवरीथिंग और फेस डिटेक्शन जो थे वो सारे वर्किंग किया, और उन्होंने भी इस चीज़ को बड़ा अप्रिशिएट किया कि हमारे लिए काफ़ी आसानी हो सकती है अगर इसको पर मजीद वर्क किया जाए। आप कहाँ से बिलोंग? मैं सरगोधा से। सरगोधा से बिलोंग करते हैं और कौन सी यूनिवर्सिटी में? सरगोधा यूनिवर्सिटी से ही।
खुदा यूनिवर्सिटी से ही हैं। अच्छा, इसके साथ साथ हमें और भी बताएं, शायद अभी जो लोग सुन रहे हों वो इस चीज़ को बहुत ज़्यादा अप्रिशिएट करेंगे अभी इंशाल्लाह इंशाल्लाह, क्योंकि कोई भी चीज़ होती है उसमें थोड़ा सा सब्र की ज़रूरत होती है, और पाकिस्तान में रहते हैं तो आपको तो सब्र जो है वो करना ही पड़ता है। भूल जाएँ आपको कि आपको बहुत जल्दी इसका सिला मिलेगा, फिर मैं यही दुआ करती हूँ कि जल्दी सिला मिले। और थोड़ा सा ग्लासेस के बारे में बताएँ कि ये कैसे वर्क करती हैं और कहाँ कहाँ वर्क करती हैं। जी, मैं आपको बताता चलूं कि इसमें बेसिकली 4 फीचर्स रखे हैं हमने ग्लासेस में। इसका नाम स्मार्ट ब्लाइंड ग्लासेस है, ठीक है। इसमें हमने 4 फीचर्स रखे हैं। नंबर 1, इसमें ऑब्स्टेकल डिटेक्शन आती है। ऑब्स्टेकल का मतलब होता है कोई भी रुकावट, लाइक आप कोई भी ग्लासेस डाली में एक ब्लाइंड पर्सन ने और ग्लासेस डाल के वो आगे जा रहा है, कोई भी रुकावट आती है, कुछ भी आता है। आम लफ्जों में जैसे हम कह लें कोई हमारे आगे दीवार आ जाती है, खंभा आ जाता है, कुछ भी आ जाए, उसके दरमियान जितना फासला होगा ना, एक स्पेसिफिक कंडीशन हमने इसमें लगाई हुई है, वो उस रेंज के मुताबिक जितना फासला होगा वो बता देगा। उससे पहले ही बोलकर उसको बता देगा कि ऑब्स्टेकल इज नियर बाय 50 सेंटीमीटर, तो इससे जो है उसको साथ ही सिग्नल मिल जाएगा और वो अपनी जगह वगैरह चेंज कर सकते हैं। सेकंड वे इसमें ये है कि फेस डिटेक्शन है। फेस डिटेक्शन में हमने ये किया कि फैमिली से जैसे कम्युनिकेट करना होता है, वैसे तो वो मतलब सेंस कर सकता है कि मतलब टच करके कि मेरी मदर है या बाय नेम वो बोलकर बताएंगी, लेकिन हमने इसमें एक ऐसे मतलब फीचर डाला है फेस डिटेक्शन का कि आप पिक्चर इनपुट लेके डालते हैं ना जब कोड में, तो आपका जब फेस आप कैमरा ओपन होगा, आप आगे आती हैं तो आपका फेस वो डिटेक्ट करेगा, फ्रेम के साथ नीचे नाम भी प्रिंट करेगा और आपको बोलकर बताएगा कि योर नेम इज अबू दर, योर नेम इज उसामा। तो ये 2 फीचर इसमें हमने ऐड किया है। अच्छा, हमारे साथ मौजूद हैं इनके जो दूसरे पार्टनर उसामा है, और जो बाकी 2 इनके फीचर्स हैं ये उसामा बताएंगे। जी उसामा जी, इसमें थर्ड फीचर जो है वो कैमरा को यूज करते हुए, मतलब इसमें हमने कैमरा लगाया हुआ है, कैमरा को यूज करते हुए ऑब्जेक्ट डिटेक्ट करेगा, कोई भी ऑब्जेक्ट लाइक बाइक, कार, कप वगैरह होगा, कोई भी रियल टाइम ऑब्जेक्ट होगा ना उसका डिटेक्ट करके उसका नाम बताएगा। पहले फीचर में ये था कि सिर्फ डिस्टेंस बताता था कि इतनी सेंटीमीटर कोई चीज़ है, अब तीसरे में ये ऑब्जेक्ट में उसका नाम भी बताएगा जिससे ब्लाइंड पर्सन पता चल जाएगा मेरे सामने क्या चीज़ है, प्रॉपर नेम लेके। और चौथा फीचर जो इसमें है वो है टेक्स्ट डिटेक्शन, ये हमने स्टडी पर्पज़ के हवाले से रखा है। जिस तरह अगर ब्लाइंड पर्सन कोई बुक वगैरह अखबार वगैरह रीड करना चाहता है तो कैमरे के जरिए कोई भी टेक्स्ट को डिटेक्ट करेगा स्टिल 30 सेकेंड, उसके बाद जो लिखा होगा वो उसको स्पीकर के बता देगा कि ये लिखा है, जिससे ब्लाइंड पर्सन इजीली बुक रीड कर सकता है। ये फीचर इस वजह से भी इम्पोर्टेंट है क्योंकि ब्लाइंड पर्सन है वो अपने लिए ना हायर करते हैं कोई पर्सन, क्योंकि एग्जाम वगैरह देने के लिए जाना होता है, तो इस वजह से हमने किया ये फीचर ऐड किया ताकि वो खुद मुख्तार हो जाए, इजीली दूसरे पर्सन की तरह अपनी ज़िंदगी गुजार सकें। अच्छा सामा, मुझे ये बताओ कि आपको कितना परसेंट यकीन है कि ये जो है आपका प्रोजेक्ट ये चल जाएगा, क्योंकि आजकल बाइंग पावर बहुत ज़्यादा कम हो गई है, तो अगर आपने अभी इसकी कोई कॉस्ट जो है वो फाइनलाइज किया तो कितनी है? अभी हमारा जो इस पे खर्चा है वो है 1,00,000 रुपये। मजीद इसमें वायर कनेक्शन है क्योंकि वायरलेस हमने चीज़ें इस्तेमाल करनी है तो वो एक्सपेंसिव होती हैं। अच्छा। तो जब हम लॉन्च करेंगे तो हमारी यही कोशिश है, क्योंकि हमने अपने भाइयों के लिए बनाई है चीज़, ज्यादा ज्यादा हमारी कोशिश है कि इसको कम ही रखा जाए, कम मार्जिन में सेल की जाए। कम मार्जिन में सेल की जाए। तो ये आपने सिंपल क्लासेस के ऊपर जो है ये सारा कुछ किया है या कि स्पेशल क्लासेस हैं? ये सिंपल क्लासेस हैं। इसमें जो यूज है ना डिवाइस, इसको मैंने ये रेसबेरी पाई, ये पाकिस्तान में इजीली अवेलेबल नहीं है, ये हमने अमेजोन अमेरिका से मंगवाई है। ये रोबोटिक्स डिवाइस है, ये कह लेंगे दुनिया का सबसे छोटा कंप्यूटर है, ये रोबोटिक्स में इस्तेमाल होता है, इसकी सारी प्रोसेसिंग है, ये डिटेक्शन यही करती है, और ये हमने सेंसर यूज किया, ये हमने कैमरा यूज किया। आपको जो अबुजर और सामा है उन्होंने बताया है कि ये जो ब्लाइंड पर्सन हैं उनके लिए ये ग्लासेस जो हैं उन्होंने बनाई है, और बहुत ही ज्यादा टेक्निकल चीजें हैं और बहुत ही ज्यादा यूनिक ये चीज़ है कि अगर ब्लाइंड पर्सन जो है वो भी उनके लिए आसानी पैदा की जाए तो वो भी बहुत ज्यादा दुआएं देंगे इनको। और मैं इस चीज की होप करती हूँ कि अल्लाह पाक इनको जो है इस चीज में सक्सेस दें और ये वाकई में ये चीज, ये प्रोजेक्ट चले, ताकि हमारे जो ब्लाइंड पर्सन हैं जो आए दिन जो है बहुत सारे मुश्किलात का सामना करते हैं, वो भी हम आम इंसानों की तरह जो है वो देख सकें, सुन सकें, ब्लाइंड पर्सन जो है वो देख सकें अच्छे से, और अच्छे से वो हमारी तरह जो है वो आम बंदे की तरह जो है वो ज़िंदगी गुजार सकें। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो और इनका प्रोजेक्ट पसंद आया हो तो अप्रिशिएट करना मत भूलिएगा। इसी के साथ अपनी एंकर को दीजिए इजाज़त, एक नए प्रोग्राम के साथ दोबारा हाजिर होंगी। अल्लाह हाफिज़।